हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया लेकर आता हूं, ऐसे ही फ्रेंड्स आज लेकर आया हूं मैं स्टैक, जो कि स्कीमेटिक का एक नया टूल है, जो कि काफ़ी दिनों से मार्केट में ये घूम रहा है, बट इसके बारे में किसी ने अच्छी तरह से नॉलेज नहीं दी है। इस वीडियो में मैंने पूरा बताया है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 5 मेरे ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे फॉलोअर्स जो भी इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कमेंट करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये डायग्राम का टूल कैसा लगा और क्या चेंजेस इसमें करने चाहिए, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट करिए। आप कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है इसके अंदर आपको मल्टी लेयर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ चुका है, जो कि ना तो बोर्नियो के अंदर है, ना तो प्रग्मा फिक्स के अंदर है, ना तो किसी और टूल के अंदर है। आईफोन के अंदर आपको वूजिंग जी, ZXW के अंदर इस तरह के लेयर्स मिलते थे कि कौन से लेयर में कहां पे आपको स्क्रैच करना है, तो ये स्टैक का जो टूल है, नया डायग्राम का टूल, इसके अंदर ये ऑप्शन आ चुका है आपको, जिसके अंदर आप बहुत इजी तरीके से लेयर को स्क्रैच वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा बिटमैप इसके अंदर है, हार्डवेयर सॉल्यूशन इसके अंदर है और सर्किट डायग्राम, बहुत सारे सर्किट डायग्राम ऐसे मैंने देखे हैं जो कि दूसरे डायग्राम में नहीं है, प्रग्मा फिक्स में नहीं है, बोर्नियो में नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कोई भी एक डायग्राम के अंदर आपको सारी की सारी चीजें नहीं मिलती है। अगर आप एक अच्छे लेवल के टेक्नीशियन हैं, अगर आपके पास काम बहुत ज्यादा आता है, तो सारे टूल्स आपको रखना होगा। और ये जो टूल है फ्रेंड, सबसे कम इसका चार्ज है, आपको डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं टूल वालों का नंबर दे दूंगा, आप व्हाट्सअप करके आप टूल, ये टूल कितने का है प्राइस पूछ सकते हैं, बहुत ही कम। फिर एक मोबाइल आप रिपेयर करते हैं फ्रेंड्स, बहुत उतना ही इसका चार्ज है। आप इसे महीने भर के लिए ले सकते हैं, 6 महीने के लिए ले सकते हैं या 12 महीने के लिए भी आप ले सकते हैं। एक्टिवेशन आपके ऊपर है, जितने दिनों का आपको चाहिए उतना कराइए। बोर्नियो और दूसरे डायग्राम 4,000-4,000 रुपए के डायग्राम है, 2,000-2,000 रुपए, बहुत महंगे डायग्राम मार्केट में घूम रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये डायग्राम को सपोर्ट करिए, इसको लेकर के आप यूज करिए। इसके अंदर हर दिन बहुत सारे अपडेट ये लोग डाल रहे हैं। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, जरूर आपको पसंद आएगा वीडियो, और अच्छा लगा तो एक टेक्नीशियन भाई तक जरूर इस वीडियो को आप शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा मैं, अगर आपको ये टूल चाहिए तो व्हाट्सअप करके डिटेल पूछिए, कॉल मत करिए, व्हाट्सअप करिए, टूल का प्राइस आपको मिल जाएगा। और ये मैं आपको, जैसे कि आज फ्रेंड्स हमारा फ्राइडे है, तो मैं हो सकता है नेक्स्ट फ्राइडे के दिन आपको 5 जनों को मैं ये, या तो फिर संडे के नाइट में मैं आपको 5 जनों को ये टूल फ्री दे दूंगा, जो भी नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे इस वीडियो को 5,000 व्यूज तक अगर आप लेके जाएंगे, तो जरूर मैं आपको 5 कैसे भी मैं आपको दूंगा, चाहे वो वीडियो जाए या ना जाए, 5,000 व्यू जरूर, 5 बंदों को मैं 5 ये डायग्राम के टूल में फ्री देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइए कि और क्या चेंजेस इसमें करना चाहिए। और हमारे फोन फिक्स हैदराबाद का नेक्स्ट बैच 27 अक्टूबर से है और नेक्स्ट बैच 27 नवंबर से है, उसमें आप बुकिंग चल रहा है, अगर आना है तो आ सकते हैं आप एक प्रोफेशनल टेक्नीशियन बनने के लिए। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। देख सकते हैं स्टैक सेटअप है, ये स्टैक का जो टूल है, इसको मैं 7zip से सबसे पहले एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर आ जाएगा इसका, ये देख सकते हैं स्टैक सेटअप, इसको राइट क्लिक करके इसे रन करते हैं और इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ देख सकते हैं कलेक्शन इंफॉर्मेशन पहले लेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ये सारे चारों के चारों यहाँ पे फिल हो जाने चाहिए, आपको इंस्टॉल ही करना है। यहाँ पे चारों इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डायग्राम है, बिटमैप है, क्या है, ये नया टूल आ चुका है। देखिए लॉन्च के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा, तो यहाँ पे यस करते हैं। यस करने के बाद यहाँ पे एक टूल, यहाँ पे इसका लोडर जो है सेटअप चल चुका है, और ये देख सकते हैं आपके पास जो ईमेल आईडी पासवर्ड है यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे मैं मेरा ईमेल आईडी डाल देता हूँ, phyd@gmail.com। तो लॉगिन के टाइम पे जो आपने रखा था वही आपको डालना है, phonefix@hyd.com, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। यहाँ से रजिस्टर ऑलरेडी है मेरा, तो मैं साइन इन करता हूँ, तो यहाँ पे एक, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये ओपन हो चुका है स्टैक स्कीमेटिक्स। तो इसमें देखते हैं क्या क्या नया सोल्यूशन है। अब ये बोर्नियो, और देख सकते हैं ये सेटअप ओपन हो चुका है इसका,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हर दिन ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा अपडेट लेकर आए हैं। डायोड वोल्टेज ये सारी चीज इन्होंने डाली है, गाइडलाइंस हवाई हवाई के मॉडल्स के लिए, और भी काफी सारा इन्होंने यहाँ पे आईफोन का भी अपडेट दिया है, हवाई का अपडेट दिया है, रियलमी का अपडेट दिया है, रेनो का दिया है। और इसमें फ्रेंड मल्टी लेयर जो होता है ये अभी तक किसी ने भी टूल वाले ने ये नहीं दिया है एंड्रॉयड के ऊपर, और ये ईस्टेक वाले ने बहुत अच्छा काम किया है मल्टी लेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार यहाँ पे टैब्स है, तो चारों के अंदर बहुत कुछ है। जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्मार्टफोन गाइड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं इतने सारे मॉडल्स का इन्होंने डाला है। तो एक रियलमी का लेटेस्ट मॉडल कौन सा है देखते हैं, इसमें रियलमी 5 प्रो का इसमें लेटेस्ट मॉडल है। तो इसका जैसे आप इसे ओपन करेंगे, अगर आपको इसमें देखना है नेटवर्क सेक्शन, तो यहाँ पे नेटवर्क पार्ट 1 और पार्ट 2 दो इन्होंने पार्ट डाले हैं, वाईफाई सेक्शन, टच हो गया, सिम हो गया, या चार्जिंग के लिए देखेंगे हैं। तो चार्जिंग का डाटा ओपन करते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड ये इसका हार्डवेयर सोल्यूशन है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो लाइनें इन्होंने यूज की है, डीएमडीपी की सप्लाई, बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल और वी बैट और वी बस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो वी बस की हमारी 5 वोल्ट होती है, जो चार्जर से नीचे से आकर के यहाँ पे आती है इस वाले कनेक्टर में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट भी दिया गया है वी बस का। दोस्तों ये बहुत अच्छा टूल नया मार्केट में आ चुका है स्टेक, ये देख सकते हैं यहाँ पे वी बस की लाइन, फिर यहां से होकर के ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में लग के है, उसके बाद एक यहाँ पे डायोड लगकर है, उसके बाद यहाँ पे एक ओवीपी आईसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक मॉस्फेट भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओवीपी से होते हुए एक कैपेसिटर से आउट होकर के इस वाली आईसी में, यहाँ पे एक कैपेसिटर के बाद यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे जा रही है, और जैसे ये इन होती है फ्रेंड्स यहाँ से आपको पता ही है इससे 2 आउटपुट निकलते हैं, एक होता है हमारा वीपीएच जो कि एक यहाँ से डायोड पैरेलल में लग के कैपेसिटर, उसके बाद ये वीपीएच कॉयल के बाद यहां से ये लाइन बाहर निकल जाती है, और दूसरा हमारी वीबैट की सप्लाई जो कि बैटरी कनेक्टर के लिए आती है, बैटरी कनेक्टर पर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये वीबैट की हमारी लाइन, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मॉस्फेट लग के है, इसके बाद होकर के यहां से 6 पिन का एक मॉस्फेट है जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको ओवीपी भी बोलते हैं हम, उसके बाद यहां से होकर के ये बैटरी कनेक्टर पे आएगी, और इसका एक टेस्ट पॉइंट भी होगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये वीबैट के 2 टेस्ट पॉइंट है। तो ये हमारी वीबैट की लाइन, ये बैटरी थर्मल और बैटरी आईडी की लाइन, अगर आप देखना चाह रहे हैं तो दोनों भी लाइन इसकी थर्मल और आईडी लाइन यहाँ पे सीपीयू में जा रही है, और ये हमारा जो Realme 5 Pro का हैंडसेट है, तो उसमें अगर आप बैटरी आईडी और बैटरी थर्मल लाइन की अगर कोई भी इश्यू होगी तो आपको सीपीयू तक ट्रैक चेक करनी होगी जैसा आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा, इसकी क्लियरिटी जो है बहुत अच्छी लगी बॉर्नियो के इस टक्कर में। इसमें देख सकते हैं PM670L लगकर है, तो पीएम जो होगी इसकी 670 होगी, जो पावर आईसी इसमें है PM670 जिसमें होगी फ्रेंड्स, तो उसमें उसका बैटरी आईडी और थर्मल लाइन बिल्कुल भी नहीं होगा, इसकी जो बैटरी आईडी थर्मल लाइन जो होगी इसकी सीपीयू में जाएगी। तो इसके अलावा अगर और भी अगर आप देखना चाहते हैं इसमें, अगर से हम ऑडियो सर्किट देखेंगे, एक बार ऑडियो का डाटा खोल लेते हैं, तो ऑडियो आईसी और रिंगर आईसी कौन सी है इसमें देखते हैं। तो चलिए ऑडियो जो होती है इसकी बेसिकली PM670 770 LE होती है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑडियो आईसी, और इसका जो रिंगर आईसी है यहाँ पे लग के है जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पीकर पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ से, तो ये TFA9890 करके एक आईसी होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके सारा क्लॉक डाटा और ये सप्लाई यहाँ पे आती है स्पीकर की। तो ये रिंगर आईसी हो गई, और इसकी ऑडियो आईसी जो है ये 670 जो कि अभी हमने देखा था, इसका यहाँ पे PM670L है, तो यही इसका ऑडियो आईसी है 670L, जो कि यहाँ पे बड़े से बूस्ट कॉइल यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको हम बक कॉइल बोलते हैं, और SDR जो है इसमें 660 SDR लग के है, ये देख सकते हैं 4G है, और ये 3G का पी है एंटीना आईसी, ये इसकी RFIC, तो ये सारी चीज इसमें है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स इसमें, ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर सोल्यूशन। चलिए अभी हम सर्किट खोलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्केमेटिक में इतने सारे इनके पास डायग्राम्स के ऑप्शंस है। तो यहाँ पे सैमसंग का एक A50 वगैरह का कोई डायग्राम खोलते हैं और चेक करते हैं, A505 ही खोल लेते हैं और चेक करते हैं इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बाइन में ओपन होगा
और इसमें जो देख सकते हैं आप यहाँ पे इस साइड में आपको सारे कंपोनेंट्स और डायग्राम की फाइल मिलेगी, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसका पीसीबी लेआउट, यहाँ से जूम करके देख सकते हैं। हालांकि फ्रेंड जो ये डायग्राम्स होते हैं सभी टूल्स में अगर आप देखोगे तो सेम ही मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बस हर टूल वाले का अपना अपना एक तरीका है काम करने का और लोगों तक सोल्यूशन देने का, सबका अपना अपना एक तरीका होता है फ्रेंड्स। तो ये भी एक डायग्राम का टूल ही है। इसमें जो मुझे अच्छा लगा फ्रेंड्स ये मल्टी लेयर मतलब कभी आपको सीपीयू स्क्रैच करना पड़ सकता है या कभी आपको मदरबोर्ड स्क्रैच करना पड़ सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे मॉडल्स इन्होंने दिए हैं रेडमी के। ओप्पो की बात करें और रियलमी की बात करें तो ये सारे लेटेस्ट मॉडल्स ही है, रियलमी रेनो 5 3 वगैरह। तो ये वाला चीज अभी तक किसी ने नहीं किया है। चलिए मैं रेनो 5 का एक बार डायग्राम ओपन कर देता हूँ। ये देख सकते हैं इसमें क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे क्योंकि पीसीबी के जो 8 लेयर्स होते हैं सारे के सारे इन्होंने यहाँ पे शो किए हैं। थोड़ा सा मैं जूम करके बताना चाहूंगा आपको कि अभी देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ से काफी सारे ट्रैकें बाहर जा रही हैं, तो कभी आपको शील्ड पतरा उतरा निकालने के टाइम पे यहाँ से ट्रैकें मिस हो जाती हैं, तो आप लेयर फर्स्ट में देखेंगे तो इस तरह की ट्रैकें हैं, लेयर टू में देखेंगे तो ये सारी ट्रैकें हैं, यहाँ से देख सकते हैं ट्रैक इधर जा रही है, लेयर थ्री में देखेंगे तो यहाँ से ट्रैकें इसके नीचे से जा रही है, लेयर फोर, लेयर फाइव, लेयर सिक्स, लेयर सेवन, लेयर एट, और जो 9 10 जो होती है फ्रेंड्स हमारी सरफेस लेयर होती है, जो कि ऊपर वाली लेयर होती है जहां पे ये सारा बना हुआ होता है, डिजाइन बना हुआ होता है जहां पे हम सारे आईसी और कंपोनेंट लगाते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जो भी ट्रैक आपको मिसिंग हो रही है तो आप यहां से अगर स्क्रैच कर रहे हैं, कभी ब्रेक हो गया है, पतरा उतारे, आप देखिए पतरे के नीचे से एक ट्रैक जा रही है, तो यहां से यहां तक आप जंपर लगा सकते हैं। तो ये एक चीज मल्टी लेयर का जो ऑप्शन इसमें दिया गया है फ्रेंड, बहुत ही कमाल का ऑप्शन है ये जो है फ्रेंड्स, अभी तक किसी ने भी अपने टूल वाले में, किसी भी टूल में आपको नहीं मिलेगा, ना तो आपको प्रग्माफिक्स में मिलेगा ना तो बोर्नियो में मिलेगा। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हर टूल की एक अपनी अपनी एक खासियत होती है, तो इस टूल की भी एक खासियत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका अपना अपना नंबर यहाँ पे लिख के है कि क्या नंबर है उसका क्या है। तो ये एक मुझे अच्छा लगा इसमें मल्टी लेयर का। एक और पीसीबी मैं आपको खोल के यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, ओप्पो का खोल लेते हैं, यहाँ से ओप्पो A53 का ओपन कर लेते हैं। तो ओप्पो A53 में देखते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इस तरह का कई कई बार हमारे पास बच्चे बोर्ड्स लेकर आते हैं जिसमें ये पत्रा वगैरह निकालने के टाइम पे उनकी शील्डें टूट जाती हैं, नीचे के ट्रैक टूट जाते हैं। तो फर्स्ट लेयर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इस तरह की लेयर है, सेकंड लेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देख सकते हैं अगर कभी आप ये पत्रा निकाल रहे हो, ये येलो वाले जो होते हैं आपका शील्ड पत्रे का प्लेस होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पत्रा निकालने के टाइम पे ट्रैकें ब्रेक हो जाती है, तो आप फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, कौन से लेयर के नीचे आपको स्क्रैच करना है, कहाँ तक स्क्रैच करना है, ये इससे पता चल जाता है। 8 के 8 लेयर इन्होंने बता दिए फ्रेंड्स, तो ये शायद ही मैं समझता हूँ किसी और इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एक चीज बहुत अच्छी लगी फ्रेंड्स इसमें, ये मुझे लेयर मल्टी लेयर का जो ऑप्शन दिया गया है, तो ये एक नया इन्होंने निकाला है स्टेक वालों ने। तो हालांकि बिट मैप तो ये है ही है, देखिए इस तरह से ये कहाँ कहाँ लेयर ट्रैक जा रही है ये बता देगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस आईसी की ट्रैक यहाँ जा रही है, इसकी ट्रैक यहाँ जा रही है, ये अगर यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये ट्रैक कहाँ जा रही है, देख सकते हैं इमरजेंसी के अंदर इतनी सारी ट्रैकें हैं जहाँ ये देखिए सीपीयू के साथ जुड़ के है यहाँ पे जा रही है, तो ऐसे आपको पता चल जाता है कि कौन सी ट्रैक कहाँ पे जा रही है। तो ये देख सकते हैं ये ट्रैक यहाँ से जुड़ के है, इस आईसी के साथ जुड़ के है, तो ये बिट मैप के अंदर होता है, हालांकि डायग्राम तो है। तो बिट मैप में फ्रेंड्स इतने सारे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, वन प्लस देखिए फ्रेंड्स, वन प्लस के आईफोन के, मैं वन प्लस का बताना चाह रहा था, वन प्लस का आपको बिट मैप में मिल जाएगा लेटेस्ट में, ये आईफोन के भी इन्होंने दिए हैं, iPhone 13 Pro तक इन्होंने दिया है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आईफोन से लेके एंड्रॉयड तक इन्होंने दिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, जो लेयर का ऑप्शन अभी तक ZXW वगैरह में मिलता था, लेकिन स्टैक का ये खासियत है कि जो इन्होंने ये वाला काम किया है अभी तक किसी ने भी ये वाला काम नहीं किया है। और अगर बिट मैप की बात करें तो बिट मैप में आप देखोगे वन प्लस के जो बिट मैप मुझे यहाँ पे दिखे, देख सकते हैं वन प्लस में 1 प्लस 9 तक इन्होंने दिया है, 7 7 प्लस 7 प्रो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफी बार क्या होता है, बच्चे यहाँ पे इस तरह के आईसीओ को उठाते हैं और ट्रैकें ब्रेक हो जाती है, तो कौन सी ट्रैक कहाँ पे जा रही है ये सारी चीज इसमें अपने को पता चल जाती है। ये देख सकते हैं कौन सी लाइन शॉर्ट है, क्योंकि इसके डायग्राम्स नहीं होते हैं वन प्लस वगैरह के,
तो ये आप बिटमैप का सहारा लेके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर फ्रेंड चार चीज है जैसे मैं बता दिया आपको। पहला है हार्डवेयर सोल्यूशन, दूसरा है सर्किट डायग्राम, और तीसरा है इसमें बिटमैप, और चौथा है मल्टी लेयर। हो सकता है फ्यूचर में और भी कुछ आए, और इसमें ये लोग चेंजेस कर रहे हैं, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, बहुत कम प्राइस है इसका। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करके आप इसका डिटेल ले लीजिए कि इसका प्राइस कितने में आपको मिल जाएगा। खाली बोर्नियो लेने से कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको सारे टूल्स रखने होंगे इस तरह के, क्योंकि कौन सा मोबाइल कब आ जाए पता नहीं, और सारी की सारी चीज आपको एक ही सर्किट डायग्राम में नहीं मिलती है, ये आपको पता ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और ये टूल कैसा लगा आपको जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।